नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि इनसाइडर में। मैं आपके साथ आयुष चौधरी। विधानसभा चुनाव करीब है, अगर मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा लगातार कह रही है अब की बार 60 पार, और कांग्रेस कह रही है कि 45 से 50 सीट हमारी जरूर आएंगी। अगर 60 पार भाजपा जाएगी तो 45 से 50 सीटें कांग्रेस की कैसे आएंगी? आम आदमी भी मैदान में उतरी है, जिस पिच पर वो खेल रही है उसको लगता है इस बार की ट्रॉफी हमारे नाम होगी। खैर, पार्टियों को लगता है सबको कि हमारी सरकार आ ही रही है, लेकिन वोट डालती है जनता तो वो बताएगी कि इस बार सरकार किसकी आएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक चंदेल। अभिषेक जी, क्या लगता है आपको, आपके नज़रिए से उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार आएगी? मेरे ख्याल से तो बीजेपी की दोबारा रिपीट करेगी। कितनी सीटें लेके आएगी इसका तो अंदाज़ा नहीं है, पर हमारी रायपुर विधानसभा में तो रिपीट हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा, बीजेपी उत्तराखंड में क्यों आएगी? अब ये तो काम तो कुछ ऐसा नहीं, काम तो सारा एक जैसा ही करते हैं, पर एक सिक्स सेंस है जो मेरा, वो तो रिपीट ही होगा, हमारी विधानसभा में तो रिपीट हो जाएगा। रायपुर में तो जीत रहे हैं जी, और उत्तराखंड में कितनी सीटें, उससे पहले जितनी पिछली बार आई थी उतनी आएंगी, उससे ज़्यादा आएंगी कम आएंगी? इसका कोई आइडिया नहीं, क्योंकि आप भी आ गई है अब नई पार्टी, तो कांग्रेस कांग्रेस में भी आधा कुछ तो लेके आएगी, वो भी आ सकती है। भाई साहब को लगता है कि भाजपा आएगी, आपको क्या लगता है? मुझे भी लगता है कि भाजपा ही आएगी, क्योंकि भाजपा ने काफ़ी काम किया है उत्तराखंड में। आप देखेंगे तो जितने भी हाईवेज बने हैं, चार धाम की यात्रा हो रही है, जो इतनी पॉसिबल हो पाई है वो बीजेपी। ये आम आदमी तो कह रही है कि उन्होंने अभी यात्रा के लिए कोशिश करी थी, हम जितने भी बुजुर्ग होंगे नहीं, पर जो उन्होंने कोशिश करी है वो भी कोशिश करेंगे, हर पार्टी कोशिश करेगी। पर जो बात है ये है कि चार धाम, अगर जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले बद्रीनाथ का टूर करके आया हूँ, तो मुझे अपनी फैमिली के साथ, तो वहाँ पे मुझे दिखा कि कैसे इन लोगों ने अच्छा काम करा, कैसे हाईवेज है, कैसी रोड्स बनी हुई है, इजीली अवेलेबल हो रहा है सब कुछ। तो जितने भी भक्त लोग हैं पूरे देश में वो आसानी से अब जा सकते हैं, तो बीजेपी ने वो अच्छा काम करा है। उत्तराखंड के जो लोग हैं, यहाँ के जो मेन लोग हैं, गढ़वाली लोग हैं, यहाँ के जो पब्लिक है यहाँ की, तो वो थोड़े से इमोशनल लोग हैं, तो उनके लिए ये फैक्टर बहुत बिलोंग करता है कि आप उनकी संस्कृति के लिए क्या कर रहे हैं, तो बीजेपी शायद उससे जुड़ा हुआ है, तो वो हमें दिखता भी हमेशा। चाहे चाहिए तो महंगाई लोग चाहिए, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी? देखिए, मेरा नाम शिवराज है, ये यहीं का रहने वाला हूँ, और मेरे हिसाब से मैं किसी सरकार को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं अपने लोकल कैंडिडेट को सपोर्ट करूँगा, जिसने मेरे क्षेत्र में रहकर काम भी करा है, सड़कें बनवाई है, जो खड़ा भी रहता है, किसी को रात बिरात परेशानी हो जाती है, किसी के घर में कुछ परेशानी है, तो हमारा लोकल कैंडिडेट जो खड़ा रहता है हम लोग उसको वोट करेंगे। रही बात बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस कि देखिए, सरकारें तो सारी काम कर रही है, अब आप लगाइए जैसे ही इलेक्शन आते हैं तो काम होने शुरू हो जाते हैं। रही बात हमारे अजबपुर विधानसभा, ये रायपुर विधानसभा क्षेत्र, तो हमारे प्रधान जी हैं, तव प्रधान जी ने, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी कर रखा है, चीज़ें भी करी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रोडें बन रही है, मेन रोडें होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हॉस्पिटल्स वगैरह थोड़े बहुत अगर करवाएंगे तो इससे क्या होता है, एक जनता का फेथ आता है। 4-5 सालों में अभी तक थी बीजेपी, तो थोड़ा बहुत काम करा, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा हो गया है या डेवलपमेंट है या हमारे हॉस्पिटल्स की ज़्यादा संख्या हो गई है या उनके अंदर काम ज़्यादा हो रहा है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज़्यादा बने, मैं ये कहूँगा कि बेसिकली अब जो टाइम पीरियड आएगा मैं अपने लोकल कैंडिडेट को सपोर्ट करूँगा, जो मेरे लिए खड़ा रहेगा, मेरे लिए काम करेगा और जिसके भरोसे मैं आगे अपना जीवन। ऐसी क्या वजह है कि शर्मा जी यहाँ से इतने चहेते हैं कि वो हारते नहीं है? नहीं, शर्मा जी चहेते नहीं है, असल में बात ये होती है कि कैंडिडेट के ऊपर बात होती है कि कौन सी विधानसभा से वो विधायक जी हैं। अब आप ही लगा लीजिए या मैं ही लगा लीजिए, अगर मैं यहाँ काम नहीं करूँगा या मैं लोगों के साथ उठूँगा बैठूँगा नहीं या मिलूँगा झूलूँगा नहीं, 10 जनों के किसी के परेशानी होती है, किसी के डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमार होता है, किसी के लड़ाई झगड़ा, किसी का केस चल रहा है, तो प्रधान जी जो हमारे हैं वो अभी तक जहाँ तक मैं अभी बचपन से यही रहता हूँ, तो मैंने देखा कि प्रधान जी किसी के कोई भी दिक्कत आती है तो तुरंत ही पहुँचते हैं, किसी के शादी ब्याह है तो तुरंत जाना पूछना, अपना भाईचारा भी, और ऐसा नहीं है कि विधायक के होते हुए कि जैसे मैंने और जगह के भी देखे हुए हैं, विधायक जी विधायक होते हैं अपने घरों में बैठे रहते हैं, इलेक्शन आते हैं तो तब काम करते हैं, उससे पहले सड़कें बन रही है, सब कुछ चीज़ें बन रही है, उससे पहले वो सो जाते हैं बिल्कुल। जब 5 साल तो, सरकार किसकी बनेगी उत्तराखंड में, सवाल ये है। देखिए, सरकार तो इस बार जो है इस बार बीजेपी और आप में ही होगा जो होगा। कांग्रेस वो तो कह रही है कि 45-50 सीटें आएंगी हमारी। कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री जी का पीए हूँ, कि मैं उनके साथ बैठता हूँ या वो
जो मैं बताऊंगा वही वो सुनते हैं और वो करेंगे। कहने के लिए तो बतेरी बातें होती है और सारी जनता आपको बताए, सबका दिमाग अलग है और सबके पास बोलने की शक्ति है, कोई भी कुछ बोल सकता है। तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी की आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि बीजेपी आए या कांग्रेस आए, आएगी मिलजुली हुई सरकार आएगी। मतलब बहुमत किसी को नहीं मिल रही है, किसी भी तरीके से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसमें यह है कि कुछ कार्य जो हैं बीजेपी के ठीक हैं तो कुछ कांग्रेस के हैं, कुछ आपके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ जो है कुछ लोग जो हैं उनकी जो मानसिकता है वो कहते हैं कि हम ये दे देंगे वो के दे देंगे। अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए हम तुम्हें। आम आदमी कह रही है 300 यूनिट बिजली देंगे, भाजपा भी कह रही है 100 यूनिट बिजली देंगे। हम दे रहे हैं तुम्हें, हम तुम्हें जो है सबसे पहले जो है अपना वोट दे रहे हैं, अनमोल मत दे रहे हैं तुम्हें, जिसकी हम कोई कीमत नहीं दे रहे। तुम सिर्फ एक काम कर दो, आम जनता के लिए पूरे भारतवर्ष के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधार दो, उन्हें फ्री कर दो। भाजपा ने सुधारा है? सुधार कोई सुधार नहीं है भैया, है सिर्फ दिखावा सब जगह है, चाहे भाजपा का है या कांग्रेस का है या आपका है। हमें ये लगता है सब हमारे जो है, किसी भी स्कूल में चले जाइए वहाँ पे कौन सी सुविधा है, जहाँ पे जो चीज़ मिलनी चाहिए वो चीज़ें हैं नहीं, दिखावे के लिए सब कागज़ों में चल रहा है, तो इससे ये नहीं होता है। दूसरी चीज़ रही जो पर्टिकुलर, जैसे हमारे क्षेत्र से जो विधायक हैं या पार्षद हैं वो हैं, तो उनका जो व्यक्तिगत व्यवहार है, व्यक्तिगत कार्य करने की जो क्षमता है, उसके आधार पर ही इस समय आएंगे। अच्छा। ना कि बीजेपी आ रही है, ये नहीं चलेगा। उनका जी मोदी जी नहीं कहते, मोदी जी की आंधी चल रही है। तो यहाँ पे जो युवा हमने आपको दिखाया, इन सबको यही लगता है कि भाजपा आएगी और ये भाई साहब को लगता है कि मिली जुली सरकार आएगी। अब देखना यही रहेगा 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में किसकी सरकार आएगी। कैमरा पर्सन आशु के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।